हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चाय पी अभी। सबसे पहले मशीन को चालू करने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। हम चाय पीकर अपने बॉडी को रेडी करते हैं काम के लिए। और ये कपड़े वगैरह पड़े हैं हमारे। ये सर, सर आप भी कर लो। गुड मॉर्निंग ही रहे सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। ये कपड़े भी फोल्ड करने लग रहे थे हम साथ की साथ। चाय तो पी ली है। चाय पी ली है, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। क्या सॉक्स? शॉर्ट्स? अच्छा अच्छा, नहीं मिल गई। सर कह रहे मेरी शॉर्ट्स नहीं मिल रही। मैंने कहा होगी, कई बार सॉक्स वगैरह तो रह जाती है मशीन में। वो साइड में चिप जाती हैं, सुखाना ही भूल जाते हैं। सर ये कह रहे हैं कि मैं, वो मेरा टिफिन है जो बैंक में लेके जाता हूँ, वो कल मैं देख रहा है एक उसका डब्बा नहीं मिल रहा, कहाँ गया? तीन होते हैं तो दो तो दिखाई दे, तीसरा दिखाई दिया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन उल्ट पुल्ट किसी उसमें, मतलब अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगा लिया अभी कहाँ हो सकता है। वो बैंक में छोड़ के आते रहे, दोबारा फिर इधर देखो उधर देखो, सब कुछ उल्ट पुल्ट कर लिया। और मैं सोचूँ, मैं कहीं पूछूँगा तो डांट पड़ेगी कि डब्बा कहाँ गया होगा, होगा तो यहीं पर, लेकिन है कहीं नहीं। लास्ट में मैंने ऐसे दिमाग में आया, मैं कहीं मैडम ने डस्टबिन में फेंक दिया कुछ। कमाल है? देखो इनके इतना बड़ा टिफिन है, मैं डस्टबिन में डाल सकती हूँ। आइडिया आपका के? अरे जब कुछ भी चीज़ नहीं मिले तो आदमी ऐसे चीज़ ढूंढ रहा है ना। फिर आपके दिमाग में आई कैसे? से बाहर तो जानते रहे तो गया कहाँ, एक डस्टबिन पक्की रह गया। फिर जब हार थक लिया तो उल्टा मुड़ के देखा तो उसमें आपने ड्राई फ्रूट भिगो के रखे हुए, बादाम और क्या नाम अखरोट वगैरह, उस पे वो ढक्कन रखा हुआ था, नहीं इसलिए नजर नहीं आया, वो बड़ी प्लेट थी। आइडिया तो आपका बहुत अच्छा लगा कि मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में डाल दिया होगा मैंने इतना बैठे। कोई चीज कहीं नहीं मिलता, आदमी का दिमाग ऐसी जगह जाता है ना जहाँ, मतलब वो जी सही बात है। कहते हैं तेरे से यही उम्मीद है कि डस्टबिन में डाल दिया होगा। कितनी टिफिन डाल दिए मैंने? कितने डाले होंगे बताओ? कल शुरुआत ही थी बस। चलो फ्रेंड, चाय वाय पी ली है, थोड़ी गप्पे मार ली है चाय पीते पीते, और कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं। अब चलेंगे किचन में, बनाते हैं सब्जी। आज फ्रेंड्स आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। ये मैंने कट कर ली है शिमला मिर्च और आलू। तेल डाल दूंगी, गरम हो जाएगी कढ़ाई, तब तक प्याज वगैरह काट लेती हूँ। और पहले जो है आलू को थोड़ा फ्राई करूँगी फ्रेंड, उसके बाद शिमला मिर्च को भी कर लिया है फ्राई। सारे बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल लिए हैं, और लास्ट में ये इसमें आमचूर डाल दिया है। यम्मी सब्जी बन गई है आज तो फ्रेंड। सर हेलो बोल लो। आज तो फ्रेंड सर ने लगा रखी है मशीन, ये दूसरी सेमी ऑटोमेटिक। मैट धो रहे हैं, मैट बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मेरे से तो हो नहीं रहा फ्रेंड। मेरी तो सारी हेल्प सर ही करते हैं, सर सर लगे हुए हैं काम में। ये तो उन्हें लग रहे हैं मैट, ये मैट है क्या? मैट कपड़े तो ड्रायर में चल रहे हैं। हाँ, ये मैट धो रहे हैं। मैट गंदा हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था, इतने दिनों से मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने कहा सर आप ही हिम्मत करो, ये तो ये लीक हो गया क्या पानी, ये टपकने लग रहा है तो पाइप फट रहा है उसको तेल लगा। अच्छा सर ने अपने कुछ शर्ट वगैरह धोई है वाइट, इसमें उन कपड़ों में डाली खराब हो जाएगी ना उसमें। हाँ हाँ, उनके दो भी डाल दी, उनके साथ नहीं धोते सर ना अपने वाइट शर्ट वगैरह अलग से ही। साफ भी कर रखी है, उनका रंग चेंज रहता है। हाँ, फुली ऑटोमेटिक में तो एक बार जो कपड़े डाल दिए वो डाल दिए, उसके बाद चाहे कलर चढ़े या तो ना चढ़े। ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग और मोठ भिगोए हैं, हो गए हैं 13-14 घंटे भिगोए हुए। अब मैं कपड़े में बांध कर रख दूंगी, अंकुरित होने के लिए रख देती हूँ। हो जाएंगे अंकुरित, हो जाएंगे एक दिन में हो जाएंगे ये। और ये फ्रेंड्स मैंने अलग से ही चने मैंने अलग भिगोए थे, इनको भी अच्छे से धोकर और बांध कर रख दूंगी, अंकुरित होने के लिए रख दूंगी।
दस बारह घंटे के लिए चने भी भिगो दिए थे, अलग अलग भिगोए हैं मैंने। ये फ्रेंड्स 9 बज गए हैं, मेरा सारा काम खत्म हो गया है और आज मेरा विचार है चिमनी साफ करने का। कई दिन से दिमाग में है कि चिमनी साफ करूं, गंदी लग रही है मुझे बहुत, ऊपर से भी नहीं किए मैंने इतने दिनों से। ये चिमनी को साफ करने के लिए पानी रखा है मैंने गरम और ये ब्रश वगैरह रख ली है जिसकी हेल्प से साफ करूंगी। सर्फ ले आई हूँ, पानी में डाल के करूंगी साफ और एक बार सर से पूछती हूँ हेल्प करेंगे क्या, नहीं तो मैं खुद करूंगी। आज तुम जब मेरे मन में आ गई साफ करने, हेल्प तो इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर ज्यादा देर खड़ी रहूँ तो फिर गिरूंगी। चलते हुए कई बार ये चप्पल पता नहीं क्या हो जाता है, ये आगे से सर ये बैठे हैं। बात सुनो, आज मेरा विचार है चिमनी साफ करने का, करें? आप कह रहे हो क्या? करवानी पड़ेगी नहीं तो मेरा पैर ज्यादा करने लग जाएगा। चलो आ जाओ। पानी गर्म रख दिया है मैंने। ओके ओके। तैयार हो गए हैं सर। थैंक यू सर। पंखा तो बंद कर देते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। पानी रख दिया है मैंने। उतार ली। कितना ऑयल है इसमें दिखाने के बारे? ऊपर गए चलते दिखा तो दो एक बार सबको। देखो फ्रेंड कितना ऑयल है, कितनी गंदी है। बात सुनो, ऐसे नहीं साफ करना इसको, ऐसे नहीं, पहले गर्म पानी हो जाने दो। अच्छा देखो हाथ मेरा। ओहो देखो ये तेल में है। हाँ जी हाँ जी। हाथ पे ओए, अरे काफी दिन ना हो गए मुझे साफ किए हुए। पानी देखो गर्म हो गया क्या, इसमें सर्फ डाल लो। मेरे हाथों पर भी लग गए ओए। गर्म पानी अब आप ऐसे करो, मैं बताऊंगी आपको। इस पर गरम गरम पानी डाल लो, आप हाथ में लगाना, ये बाद में रगड़ना इसे। हाँ डाल दो पूरे इस पर। हाँ। गरम गरम पानी डालो इस पर। अब इसे ब्रश से रगड़ दो। पर अभी तो ये ऊपर से भी ये तो साफ करनी पड़ेगी अखबार से। करेंगे अखबार लाती हूँ। सर का पूरा ही हाथ भर गया है इसमें, कितना आज का अखबार कहाँ रखा होगा देखती हूँ। दे रहा इस रूम में, आज का ही ले लेती हूँ, पढ़ लिया हमने तो अखबार। अरे कपड़े पड़े हैं अभी मेरे, देखो फ्रेंड ये फोल्ड करने हैं। घर में तो काम खत्म होता ही, एक करो दूसरा तैयार मिलता है। कई दिन से दिमाग में आ रही है कि करूं गिरने को जाती हूँ चलते चलते। और पानी रखे क्या गरम, ये हो जाएगा इससे। जो कुछ भी हम बनाते हैं डेली खाना पीना सब इसी में तो इकट्ठा होता रहता है। चलो फ्रेंड थोड़ी सी मैं भी सर की हेल्प करवा देती हूँ। ये फ्रेंड्स देख लो, दिखा रही हूँ आपको, टपक रहा पानी देखो कितनी साफ हो गई है। उस टाइम हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। कई बार क्या होता है कि जब
मजबूरी होती तो ये ठीक ना हो तो क्या करें, नहीं तो मैं इतना इतनी गंदी तो कभी नहीं होने देती। आज तो सर मिल रहे हैं, करवा देती हूँ सफाई, मेरा हाथ नहीं जाता फ्रेंड इतनी ऊपर ना। कपड़े से साफ कर लो उसको, पानी पी ले। अच्छा चलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।